तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जीत का चौका लगा दिया है। 5 चुनावी राज्य जिसमें से 4 में बीजेपी को मिली है बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आप देख रहे हैं, लगातार टाली ऊपर की तरफ चल रही है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश की, जिसमें बीजेपी गठबंधन के खाते में 273। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ 273 पर फिलहाल आंकड़ा पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी गठबंधन बहुत पीछे, महज 125 सीटों पर सिमटी हुई, और इसे सीधे सीधे मोदी मैजिक करार दिया जा रहा है। जिस तरीके से इतिहास उत्तर प्रदेश में रचा गया, इतिहास जीत का उत्तराखंड में रचा, गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं ये बीजेपी दफ्तर से। आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला हम आपको दिखा रहे हैं। अब करीब करीब खत्म हुआ लगता है, क्योंकि सभी बड़े नेता इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आप देख रहे हैं, हरदीप पुरी वहां पर मौजूद है, मीनाक्षी लेखी वहां पर मौजूद है, और इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, इंतजार की घड़ियां मुश्किल मुझे लगता है हो रही होंगी इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए। जी बिल्कुल रोमाना, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के ही अंदर मैं हूं, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे चूंकि मंच है और मंच के साथ ही ये कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़े ही जोरों से इंतजार चल रहा है। थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचने वाले हैं। कहा जा रहा है कि वो अपने आवास से निकल चुके हैं, रास्ते में उनका काफिला है, रूट लग चुका है, सिक्योरिटी पूरी लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के सभी जो नेता हैं, गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सारे जो बड़े नेता हैं, कई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव समेत तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं, और केवल इंतजार है तो इस जश्न के सबसे मुख्य वक्ता का, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनके मैजिक से भारतीय जनता पार्टी ने उन चारों राज्यों में अपनी वापसी की है जहां से उनको बहुत उम्मीदें थी, खासकर उत्तर प्रदेश राज्य जिसने विक्ट्री दी है, 35 साल बाद जीत दर्ज की। तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, इनसे पूछते हैं, सर आप लोग पीएम के इंतजार में हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हम सबके लिए गर्व की बात है। आज यूक्रेन में जिस तरह से एक स्पेस मिल रहा है, और जिस तरह भारतीय छात्र, भारतीय नहीं है, पाकिस्तान तक के लोग उस झंडे के नीचे आ रहे, तो ऐसा प्रधानमंत्री, उसका इंतजार किसको नहीं हो, पूरे देश को इंतजार। तो प्रधानमंत्री जब बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी को आप लोग सुनेंगे, क्या कुछ सोच के आ रहे हैं आप? देखिए, ये एक ऐतिहासिक जीत है वाकई में, 4 राज्यों में दोबारा से सरकार बनना, एक बहुत भारी बहुमत से हम जीत के आए हैं, तो ये योगी जी और मोदी जी दोनों की जीत है, सारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है, पूरी दिल्ली वासियों की, पूरे देशवासियों की जीत को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जीत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। दूसरा, बहुत बारी ये चल रहा था कि ये वोट बैंक होता है, तो वोट बैंक पर चोट मारी है योगी जी और मोदी जी ने मिलकर। रोमाना, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है, 2019 में जब लोकसभा चुनाव जीती थी भारतीय जनता पार्टी, तब ऐसा ही माहौल इस कार्यालय में देखने को मिला था। उसके बाद से चूंकि कोरोना हो गया, और कोरोना के दौरान कई चुनाव जरूर हुए, लेकिन ऐसा कोई बहुत माहौल ऐसा रहा नहीं। आज फिर से एक बार जब 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने इन चारों राज्यों में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जीती है, चुनाव जबरदस्त जीता है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, उत्तर प्रदेश हो, इन सब में जिस तरह चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, तो उसके बाद का ये जो माहौल है अपने आप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है। और हो भी क्यों ना रोमाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आशा थी कि इन राज्यों में जो काम उन्होंने किया है उस काम के दम पर वो वापसी करेंगे, तो उत्तर प्रदेश चाहे हो, चाहे गोवा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मणिपुर हो, काम के बदले लोगों ने वोट किया है, और उसका नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकारों को रिपीट किया है उत्तर प्रदेश में। लौटूंगी आपके पास नीरज, और इस बीच आप देख रहे हैं किस तरीके से मंच पर हलचल इस वक्त बढ़ती हुई, बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो किसी भी वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाला है। इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।